सीएम गहलोत ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, वह गुजरात के चुनाव से ठीक पहले था। ऐसे में लग रहा था कि गुजरात में उनकी सरकार नहीं बनेगी, इसलिए अमित शाह ने पीएम मोदी को सलाह दी होगी कि रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना दिया जाए। गहलोत ने कहा कि शाह ने सभी जातीय समीकरण साधने के लिए रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, इस कारण से आडवाणी राष्ट्रपति नहीं बन सके, जबकि देश सोच रहा था कि आडवाणी को वह सम्मान मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। साथ में गहलोत ने यह भी कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, यह है उन्होंने एक बात आर्टिकल में पढ़ा है कि ऐसा वोटों का समीकरण बैठाने के लिए उन्होंने किया था। अब सुनाते हैं गहलोत का बयान जिस पर पूरी तरह से बवाल मचा है। गहलोत के इस बयान के बाद बीजेपी ने जयपुर से दिल्ली तक गहलोत को घेर लिया और आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है। इसके बाद गहलोत को ट्वीट कर सफाई देते हुए कहा कि कुछ मीडिया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है, जबकि बयानों में गहलोत ने राष्ट्रपति के लिए किसी भी तरह से अपमानजनक शब्दों का, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पूरा सम्मान करते हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी उनकी सिंप्लिसिटी और मानवीय व्यवहार के वे कायल हैं। आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्योंकि चुनाव गुजरात के आ रहे थे, वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है, तो एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए, उन्होंने सलाह दी होगी मेरा समझना कि रामनाथ कोविंद जी को बनाया जाति समीकरण बैठाने के लिए, और अडवाणी साहब छूट गए, वरना अडवाणी साहब को था, देश उम्मीद कर रहा था अब कम से कम अडवाणी साहब को वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार है, वंचित नया नाम आ गया। वो उनकी पार्टी का फैसला, मुझे उस पर मेरे व्यक्तिगत कॉमेंट नहीं है, पर कल मैं एक आर्टिकल पढ़ा।